दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि अमीर कैसे बना जाए, क्योंकि आज तक हमें किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे कमाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे माँ बाप या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने भी हमें आज तक ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बना जाए। लेकिन इन सब लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब लोग खुद भी नहीं जानते थे कि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सोच में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, आप शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो सभी लोग जिनके पास आज पैसे और वक्त की कोई कमी नहीं है, उन सभी लोगों की सोच लगभग एक जैसी होती है। और अगर आप लोगों को भी अमीर बनना है तो आप लोगों को भी अमीरों की तरह सोचना होगा, आप लोगों को भी अमीरों की तरह काम करना होगा, और तो और आप लोगों को भी हार्ड वर्क छोड़कर स्मार्ट वर्क करना होगा, ताकि आप लोग भी जल्द से जल्द अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेना कि जब पैसा कमाने के लिए आपको कोई काम न करना पड़े या फिर किसी दूसरे पर डिपेंड न रहना पड़े, और अपने परिवार का सारा खर्चा खुद उठा सकते हो, और वो भी बिना किसी की नौकरी करे या कोई और दूसरा काम करे बिना। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आप अपना कीमती वक्त अपनी ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरी चीज़ों में लगा सकते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली को और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और उनके साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का भी टाइम निकाल सकते हैं, और तो और आप अपनी दूसरी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और उनमें एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और इसे कैसे हासिल करा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर आज हम लोग बात करेंगे उन चार अलग अलग रास्तों के बारे में जिस पर चलकर लोग पैसा कमाते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला रास्ता है पैसा कमाने का, वो है जॉब करना, यानी कि कहीं नौकरी करना। और ये तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और वो इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान कहीं नौकरी करता है तब उसे हर महीने एक फिक्स सैलरी मिल जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि वो सिर्फ इतने ही पैसे कमाने के लायक है। दोस्तों, जितने भी लोग स्कूल या कॉलेज से पढ़कर निकल रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जॉब करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि जॉब तीन तरह की होती है, पहली टेक्निकल जॉब, दूसरी क्लरिकल जॉब और तीसरी सेल्स जॉब। दोस्तों, टेक्निकल जॉब का मतलब होता है कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको अपना काम करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड स्किल या किसी खास हुनर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और उस नॉलेज और स्किल को सीखने के लिए वह किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में कई सालों तक पढ़ाई करता है, और अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो किसी IT कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। दोस्तों, टेक्निकल जॉब के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैशन डिज़ाइनर। ये सभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और टेक्निकल स्किल्स हासिल करने के बाद किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस तरह की जॉब में आगे बढ़ने का स्कोप काफ़ी रहता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 2 या 3 सालों में आपकी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई टेक्निकल जॉब की। अब हम बात करेंगे क्लरिकल जॉब की। क्लरिकल जॉब का मतलब होता है कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको काम करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड स्किल जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक कैशर की जॉब। एक बैंक कैशर को सिर्फ अपने कस्टमर्स के अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं और निकालने होते हैं। यह काम तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्लरिकल जॉब करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस तरह की जॉब में आगे बढ़ने का स्कोप बहुत ही कम होता है, और आपकी सैलरी में भी कोई खास इंक्रीमेंट नहीं होता, और तो और कुछ ही दिनों में आप इस तरह की जॉब से बोर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई क्लरिकल जॉब की। अब हम बात करेंगे सेल्स जॉब की। सेल्स की जॉब करने का मतलब होता है किसी कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट्स बेचना, या अगर आप किसी बैंक में हैं तो उस बैंक में नए लोगों के अकाउंट खुलवाना, या अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में हैं तो उस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। तो उसमें टेली मार्केटिंग भी एक तरह का सेल्स जॉब है, जिसमें आपको कॉल सेंटर में बैठकर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचनी होती हैं। इस तरह की जॉब करने के लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल्स तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस तरह की जॉब में सब कुछ आपकी सेल्स पर ही डिपेंड करता है, और तो और सेल्स की जॉब करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की जॉब में आपको काफ़ी रिजेक्शन भी झेलने पड़ सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की जॉब करने में कंफर्टेबल होते हैं और उन्हें रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप अपने आप को सेल्स की जॉब में कंफर्टेबल पाते हैं और अपने कस्टमर्स को बड़े आराम से प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच लेते हैं, तो आपके लिए इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप डिप्रेस होकर खुद ही ये जॉब छोड़ दें और फिर से कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दें। दोस्तों, आप जॉब किसी भी तरह की करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप जॉब इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस के बारे में सीखना समझना है, या फिर अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना है और आगे चलकर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है,
तो फिर जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बस हर महीने एक सेफ और सिक्योर इनकम मिल जाए जिससे आप अपना और अपने परिवार का खर्चा उठा पाएं, तो फिर यकीन मानिए नौकरी करके आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे और कभी भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल